बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल वॉइस के तमाम दोस्तों को खलूस भरा सलाम। मैं हूं रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज का हमारा मौजू कि कुरान पाक को तरतीब कैसे किया गया, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सहाबाए कराम ने कुरान मजीद को किताब की सूरत में महफूज करने में अहम किरदार अदा किया। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में कुरान पाक को तरतीब दिया गया। नुज़ूल वही में बेशक सूरत अलक की पहली पांच आयत नाजल हुई, मगर वह वही ऐलान नबूवत के पेश नज़र थी। नुज़ूल कुरान पाक का बाकायदा आगाज 610 हिजरी रमज़ानुल मुबारक के महीने में शुरू हुआ। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की जो भी आयात लाते उन्हें महफूज कर लिया जाता। नाजल होने वाली यह किताब दौरे कदीम से ज़माना हाजिर तक अपनी असली हालत में महफूज है। जैसा कि इससे पहले अंबिया पर नाजल होने वाली किताबों को यह खसूसियत हासिल नहीं है। अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अजीम शख्सियात गुजरी हैं, क्योंकि उन्होंने कुरान पाक की तहरीरी सूरत में महफूज करने में अहम किरदार अदा किया। अब हम इस बात के तारीखी पस मंज़र पर रोशनी डालते हैं। इब्तदा में जब रूहुल अमीन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरानी आयात लेकर हाजिर होते, तो उन्हें पाक कपड़े कागज़ के टुकड़ों, हड्डियों और हलाल जानवरों के चमड़े पर लिख दिया जाता। 42 कातब इस पर मामूर थे, लेकिन चूंकि ये मजमुआ एक जगह पर ना था, यानी मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा हुआ था। अलबत्ता जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कोई आयत लेकर हाजिर होते, तो वह वाज़े तौर पर इस बात की भी निशानदही करते कि इस आयत को कौन सी सूरत में और किस आयत के साथ लिखना है। अब चूंकि लिखने में ये आयत मुख्तलिफ चीज़ों पर तहरीर थी, लिहाजा जैसे ही वही का नज़ूल होता और जो तरतीब उसमें बताई जाती, कुछ सहाबाए कराम जो पढ़े लिखे थे वो उसे हिफ्स कर लेते। इस तरह कुरान पाक की सही तरतीब तहरीर के बजाय सहाबाए कराम को जहन नशीन करवाई गई। लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में जंगे यमामा के दौरान 70 ऐसे सहाबाए कराम शहीद हो गए जो हाफिज़े कुरान थे, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। जब इस अमर की खबर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुई, तो उन्हें कुरान पाक की ताकयामत तहवील का खदशा लाहक हुआ, और उन्होंने इस मसले के मुतालिक हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बात की, और मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि कुरान पाक को एक मजमू की सूरत में तहरीर किया जाए। उस ज़माने में पढ़ा लिखा होना एक अजीम महारत थी, लेकिन बहुत कम लोग इस महारत के हामिल थे। चुनांचे 12 कातबों का एक वफद तश्कील दिया गया, जिसके सरबरा हज़रत ज़ैन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। उन्होंने कुरान मजीद की तहरीर का काम शुरू किया। उन असाबे कराम में हज़रत उस्मान बिन आफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली बिन अबी तालब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्ला इबन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शामिल थे। आप सब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ लाए, और तमाम तर दस्तावेज़ात जिन पर कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतें दर्ज थीं अपने हमरा लीं। फिर उन तमाम सूरतों को नज़ूल के मुताबिक तरतीब से एक किताब में लिखना शुरू किया, और इस दौरान कई हाफ़िज़े कुरान पाक एक साथ कुरान पाक की तलावत भी फरमाते, ताकि लिखने वालों के लिए किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे और सूरतों और आयतों की तरतीब में कोई कमी हो तो उसे दुरुस्त कर लिया जाए। लिहाजा वह तमाम आयात जिनमें कायनात की तख्लीक, तमाम मखलूकात की तख्लीक, रोज़े क़यामत, ज़माना जाहलियत और सबका अकवाम के अकीदों के अहवाल, इस्लाम से कबल इबादतों का मजमुआ और अल्लाह ताला के वह तमाम थर अहकाम जो अहले ईमान और तमाम इंसानियत के लिए हैं, उन्हें
एक किताब में लिख दिया गया। यही वो आयात थी जिनकी हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई थी। इसमें किसी किस्म की रद्दबदल के बगैर उन्हें अपनी असली हालत में महफूज किया गया जो आज तक महफूज हैं। आयात कुरान करीम में दर्ज एक जुमले को कहा जाता है और सूरतें कुरान पाक के एक मुकम्मल हिस्से को कहते हैं। इन सूरतों में बाज़ औक़ात एक कौम या ज़माने का मुकम्मल जिक्र होता है और बाज़ में अहकामात खुदावंदी। मजमूई तौर पर कुरान पाक में 6236 आयात 114 सूरतें हैं जिनमें अल्फाज का मजमुआ तकरीबन 3,23,000 है। कुरान पाक को तरतीब देने के बाद सईद इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि एक माहिर खताथ थे, उन्हें कुरान पाक को खूबसूरत लिखाई में लिखने को कहा गया। उन्होंने कुरान पाक को हिरन की खाल की सफात पर लिखना शुरू किया। सईद इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जिस लिखाई में कुरान पाक लिखा वह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तरीक़ा खताती था जो कि एक तवील अरसे से हुजाज में राइज था, इसलिए सहाबा कराम ने उसी लिखाई को मुंतखब फरमाया। इस तरीके लिखाई को आज हम अरबी कहते हैं। उस दौर में भी उसे अरबी ही कहा जाता था क्योंकि यह अरबों का कदीम विरसा था। जब सईद इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरान पाक मुकम्मल कर चुके तो सहाबा कराम ने एक बहुत बड़े इज्तिमा का इनेकाद किया जिसमें एक वसी तादाद में हाफिज सहाबा कराम ने शिरकत की। उनके सामने कुरान पाक की तिलावत फरमाई गई ताकि अगर कोई गलती हो तो उसे दुरुस्त कर लिया जाए। यह कुरान पाक हर किस्म की गलती से पाक था और वही सब लिखा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हिफ्ज़ करवा चुके थे, लिहाजा कोई एतराज़ ना उठाया गया और 33,000 सहाबा कराम की इस जमात ने यह तस्दीक की कि यह कुरान पाक हर्फ ब हर्फ दुरुस्त हालत में मौजूद है। उस कुरान पाक का नाम मुशफ रखा गया जिसका मतलब है तहरीरी आयात। अब मुशफ को हज़रत उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तहवील में दे दिया गया जैसा कि पहले था, और आपके विसाल के बाद मुशफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तहवील में दे दिया गया। लेकिन इस कुरान पाक के मुताबिक इसकी कुछ कापियाँ भी बनाई गई थीं जो दीगर असहाब के पास मौजूद थीं। उसके बाद खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जंग आर्मेनिया के दौरान दमिश्क और इराक के लोगों ने कुरान पाक की तिलावत यानी इसकी किरात के हवाले से एतराज़ात उठाए और इस मामले के हल के लिए हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में भेजा गया। चूँकि उस वक्त अरब में 7 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती थीं लिहाजा कुरान पाक को हर कोई उन्हीं की ज़बान में पढ़ लेता था ताकि उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और बआसानी समझा जा सके। लिहाजा इस मसले में भी एक वफद मुकर्रर किया गया। इस वफद को तश्कील देने का मकसद यह था कि एक जामे तरीक़े तलावत मुकर्रर किया जाए यानी तमाम आलिम एक ही तलफ़ से तलावत करें। चूँकि उस वक्त अरब में 7 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती थी उनमें अल्फाज की अदायगी का फ़र्क था जैसा कि आज हम लोग ज़वात पढ़ लेते हैं और यह अरबी तरीक़ा तलफ़ुज़ है। इसी तरह उस वक्त अरब में कबीला तमीम में हर्फ सीन को ते पढ़ा जाता था और इसी नस्बत से लफ्ज़ नास को नात पढ़ लेते थे और हर कबीला अपने तरीक़े को दुरुस्त मानता था। अलबत्ता इससे मानी तब्दील होने का कोई ख़दशा लाहिक ना था, मगर फिर भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीगर सहाबा कराम से मुशावरत के बाद यह फ़ैसला किया कि इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक तरीक़े तलफ़्फ़ुज़ मुकर्रर किया जाए ताकि तमाम दुनिया के लिए किसी गलतफहमी की गुंजाइश ना रहे। अब चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश से था इसीलिए कुरैश के तरीक़े तलफ़्फ़ुज़ को ही हमेशा के लिए कुरान पाक का ज़रिया बनाया गया और यही तलफ़्फ़ुज़ अरबी कहलाता है। जैसा कि सब जानते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की ज़ुबान अरबी है। अल्लाह ताला के तमाम अहकामात अरबी में नाजल हुए थे
अब इसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हजरत हिफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हों से मशफ मंगवाने की दरख्वास्त की ताकि उसको दोबारा दोहराया जाए और कुछ ज़रूरी तब्दीलियाँ भी की, लेकिन कुरान पाक के अल्फाज में कोई रद्दबदल ना किया गया। वो तब्दीलियाँ ये थीं, कुरान पाक की सूरतें अलग अलग करके लिखी गईं और आयात को भी बाकायदा लाइनों में लिखा गया, जो कि पहले नहीं था। और मुशफ उस तरीके के मुताबिक लिखा हुआ था जैसा कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम वही लेकर हाजिर होते थे, मगर उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सूरतों को उनके आयात के मुताबिक तरतीब नजूली में लिखा, यानी बड़ी सूरतें पहले, फिर उनसे छोटी और इस तरह आखिर तक। नेज अल्फाजों की बाकायदा अदायगी के लिए उन पर एराब लगाए गए ताकि किसी भी जुबान बोलने वाले एक जैसा अरबी तलफ़ुज़ सीखें। इस तरह कुरान पाक को तरतीब दिया गया जो कि आज तक कायम है। यह वो किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने उठाया हुआ है। नजूल से लेकर अब तक यह किताब अपनी असली हालत में मौजूद है और कयामत तक यह किताब अपनी असली हालत में मौजूद होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त सांसों ने वफा की, तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ो निगहबान।